हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़। देखिएगा कि भारत सरकार ने कल ही दोस्तों हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत ने कल एक ही दिन में दो वैक्सीन और एक कोविड-19 के अगेंस्ट वाली जो पिल है, इन दोस्तों तीनों चीज़ों को अपनी मान्यता दे दी है, जिसके पिल का नाम है मोलनुपिरावीर और दोस्तों जो वैक्सीन का नाम है, दो वैक्सीन है, एक इंडिया में बनी हुई वैक्सीन और दोस्तों एक सीरम इंस्टीट्यूट और US की कंपनी के साथ बनी हुई वैक्सीन। तो इंडिया में बनी वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स और जो बनी है सीरम इंस्टीट्यूट और नोवैक्स कंपनी के साथ उसका कोवैक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़, और मतलब इस लड़ाई के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इन तीनों को दोस्तों इमरजेंसी यूज़ के लिए यहाँ पे मान्यता दी गई है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको बता दो, जितने ज़्यादा वैक्सीन अच्छे हैं, जितने ज़्यादा आपके पास वैक्सीन रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप कोविड-19 को यहाँ पे रोक सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है नीलेश, आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, एज वेल एज आज ही स्पेशल क्लासेस में काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। दोस्तों हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने यहाँ पे कल ही की दोस्तों बात है, उन्होंने यहाँ पे कहा कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया कोविड-19 के वैक्सीन को, जैसे कोर्बीवैक्स है, कोवैक्स है, यहाँ पे फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए। और एक दोस्तों पिल है, उस पिल का नाम है दोस्तों मोलनुपिरावीर, जो ऑलरेडी यूके में उसे मान्यता दी गई दी है 4 नवंबर को। तो इतने सारे दोस्तों जो है यहाँ पे एक नई चीज आपके सामने आई है और काफी इंपॉर्टेंट है लड़ने में कोविड-19 के अगेंस्ट। आप देखिएगा, आप ऐसे ट्वीट दे सकते हो, कल ही ट्वीट किया था हमारे मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने। तो जानते डिटेल में एक एक हर चीज़ दोस्तों कि ये एक्चुअली वैक्सीन है क्या, किस तरह से ये काम करते हैं, वो जो पिल है वो किस तरह से काम करती है, ये क्या है, किसने बनाया है। तो पहले बात करें दोस्तों कोवैक्स के बारे में। देखिएगा कोवैक्स जो है ना, ये मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और जहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता है कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है वैक्सीन वगैरह, जो कोविशील्ड भी दोस्तों उन्होंने बनाई थी अस्ट्राजेन के साथ। देखिए यहाँ पे ना, सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2020 में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर दिया था नोवावैक्स जो कंपनी है US की। तो उन्होंने एग्रीमेंट किस लिए किया था, ताकि वो इस तरह की एक वैक्सीन बना पाए दोस्तों, जो वैक्सीन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में और इंडिया में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा सके कोविड-19 के अगेंस्ट। तो वो जो बनाने के बाद दोस्तों अभी जो है 17 दिसंबर को कोवैक्स रिसीव्ड द इमरजेंसी यूज लिस्टिंग बाय WHO। तो मतलब अब जाके 17 दिसंबर को, हम पिछले वीक की बात कर रहे हैं, तो उस तारीख को कोवैक्स को WHO ने मान्यता दे दी है, और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसे मान्यता दे दी है ताकि हम उसका इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोवैक्सिन के बारे में दोस्तों जानेंगे कि एक्चुअली कोवैक्स होता क्या है। देखिए कोवैक्स टारगेट स्पाइक प्रोटीन, आप सभी को पता होगा कि कोरोना एक सर्कुलर कलर का है और उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो वो क्या करता है, द प्रोटीन दैट अलाउज वायरस, वो प्रोटीन पे वायरस चिपक जाता है एंड वो आपके सेल में क्या होता है, अंदर चला जाता है, राइट। नहीं, आप सभी को पता होगा। देखिए कोवैक्स अब क्या, नोवैक्स यहाँ पे क्या करेगा, ये अचीव किया है इंजीनियरिंग कॉपीज, मतलब वो यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन की डिफरेंट कॉपीज वगैरह तैयार करेगा, एक मोत टाइप वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। देखिए 1 पर्सन कोई शॉट वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन के यहाँ पे कॉपीज वगैरह तैयार करेगा और इम्यूनिटी जो है ना बॉडी में वो ऑलरेडी बढ़ा देगा। देखिए ये बॉडी में करेगा क्या, ये बॉडी में इस तरह से काम करेगा कि वहां पे इस तरह के स्पाइक प्रोटीन ज्यादा बनाएगा कि उस वजह से होगा क्या कि बॉडी को लगेगा कि बॉडी तैयार हो जाएगी ऑलरेडी वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर वो लड़ने के लिए तैयार होगी मतलब क्या कि इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि वेन रियल वायरस जब आएगा, ऑलरेडी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है क्योंकि आपने वहां पे बॉडी में डाला है प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, राइट ना। तो वो प्रोटीन की वजह से इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपकी बॉडी ऑलरेडी तैयार है और जब रियल वाला कोरोना वायरस आ जाएगा आपकी बॉडी फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगी लड़ने के लिए उससे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं दोस्तों इसके लिए और भी चीजें। इसकी जो एफिकेसी बताई जा रही है, मतलब जो रेट वगैरह है वो 96% ही इफेक्टिव है। और दोस्तों जब सेकेंड डोज वगैरह लेते हैं उसके बाद हम कहेंगे 2 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज अराउंड 83% इसकी एफिकेसी रहती है, तो एफिकेसी अच्छी है। देखिए एफिकेसी जो रेट वगैरह होता है वो हमेशा बदलता रहता है, डिफरेंट सिचुएशंस वगैरह, वेरिएंट वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है एंड सिचुएशन मैटर करती है कि आपके इम्यून सिस्टम किस तरह से है, उसके ऊपर एफिकेसी रेट मैटर करता है। बाकी चीज़ें अगर यहाँ पे देखेंगे, जो जान लेते दोस्तों यहाँ पे कोर्बीवैक्स के बारे में। देखिए कोवैक्स जो हमने देखा वो था US में बनी हुई और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड थी, राइट ना, वहाँ पे बनाई थी ऑक्सफर्ड अस्ट्राजेनेका ने और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई थी। अब ये जो कोर्बीवैक्स है ये पूरी तरह से अलग है, ये फर्स्ट, मतलब हम कहेंगे इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनेटली डेवलप RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, काफी इंपॉर्टेंट है देखिएगा। और ये दोस्तों बनाया गया है हैदराबाद में बेस्ट एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इन्होंने यहाँ पे वैक्सीन बनाई है।
अब यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट आरबीडी वैक्सीन क्या होती है, आरबीडी प्रोटीन क्या होता है। देखिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट होता है वैक्सीन, विच मीन्स की मेडअप ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सार्स कोव टू इन द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस सर्फेस। देखिए वायरस के सर्फेस में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन वाला पार्ट ही निकालेंगे, एंड प्रोटीन वाला पार्ट क्या करेगा जो अलाउ करता है वायरस को अंदर जाने के लिए, तो उसे क्या करेंगे वो रेप्लिकेट करेंगे। मतलब इस तरह की चीजें वहां पे रेप्लिकेट करेंगे कि उसमें से होगा क्या कि उसमें से कोर्बीवैक्स जो है ना, कोर्बीवैक्स वो वहां पे आपको बताएगा आपकी बॉडी को कि भाई वायरस ऑलरेडी आ चुका तो तैयार हो जाइएगा। एंड उसके साथ होगा क्या, ये प्रोटीन अलोन इन गिवन इन द बॉडी उसके, देखिएगा कभी कभी जो होता नहीं ये हार्मफुल नहीं है, अगर आप पूरा जो कोरोना वायरस बॉडी के अंदर डालोगे डेफिनेटली ये हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप स्पाइक प्रोटीन में से प्रोटीन निकाल के डालोगे तो शायद ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है क्योंकि वायरस नहीं है ना। तो ये प्रोटीन सब क्या करेंगे, ये सारे जो प्रोटीन वगैरह होंगे ये जो कोड होता है देखिएगा ये इसे अलाउ करेंगे आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट अच्छा काम कर पाएगी। बॉडी एक्सपेक्टेड टू डेवलप एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंजेक्टेड स्पाइक प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती रहेगी। एंड देयरफॉर जब रियल वायरस आ जाएगा तो आपकी बॉडी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो वाले टेक्निक्स है ये ऑलरेडी यूज की जा चुकी है इंडिया में हेपेटाइटिस बी के अंतर्गत, मतलब उसी वायरस का जो कुछ पार्ट वगैरह निकाल के बॉडी में डालना एंड जो कि हार्मफुल नहीं है, ओके okay, और उसी दोस्तों इम्यूनिटी आपकी बॉडी की बढ़ाना। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड में ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सिर्फ वर्ल्ड में ही वैक्सीन का हम कहेंगे कि नई वैक्सीन वगैरह आ रही है, इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से ये वैक्सीन यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, जो अपना तरीका है, जो अपने तरीके से हम यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी वाली अगर हम यहाँ पे न्यूज़ देकर देखें तो वैक्सीन तो हमने बात यहाँ पे कर ली, लेकिन ये गोली की बात है। देखिएगा आपको बता दूँ, जब भी आपको वैक्सीन क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, ओके जब भी आपको कोई चीज़ हुई नहीं है तो आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको ये पिल कब मिलती है, आपको पिल तब मिलती है जब आपको ऑलरेडी एक डिसीज हो चुका है, आपको एक बीमारी हो चुकी है। तो ये जो मोलनुपिरावर जो पिल है दोस्तों ये एक एंटीवायरल ड्रग है, तो विल नाउ मैन्युफैक्चर बाय 13 कंपनी जो इंडिया के दोस्तों जैसे डॉक्टर रेड्डी वगैरह कंपनीज वगैरह है, ये यहाँ पे दोस्तों क्या करेगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी पूरे इंडिया में, एज वेल एज जो हाई रिस्क प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज होता है, मतलब जो हाई रिस्क में पेशेंट वगैरह है अपने हॉस्पिटल में, उनको ही दोस्तों ये दवा यहाँ पे दी जाएगी। एंड ये डेवलप इनिशियली टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा, लेकिन अभी जो है वो एंटीवायरल जो भी पीपल वगैरह है ये उनको दिया जाएगा, कोविड 19 पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको ये दिया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड जब भी सीरियस वगैरह होंगे तभी ये मिलेगी दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये वर्क इंट्रोड्यूसिंग बाय देखिए सार्स कोव टू वायरस जेनेटिक कोड यूज करेंगे। अभी क्या यूज करेंगे, ये पिल लेने के बाद होता क्या है कि ये पिल क्या करेगी, इस तरह के दोस्तों रेप्लिकेट, मतलब जो समझेगा आपके बॉडी में बहुत सारे वायरस वगैरह है, समझो ऑलरेडी आपको कोविड हो चुका है तो आपके बॉडी में वायरस है, तो उस वायरस को जो है ना रेप्लिकेट होने से ये रोकेगा। मतलब ये जो पिल है, अब देखिएगा वायरस करता क्या है कि उसी तरीके से वो खुद को इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर देता है कि बॉडी के सारे पार्ट में वो फैल जाता है, तो ये गोली उसे रेप्लिकेट होने से थमाएगी। और वहां पे जो उसके जो डीएनए होता है ना, समझो हम कहेंगे उसके जो अंदर के जो आरएनए वगैरह होगा उसे वो पूरी तरह से थाम देगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो पिल है, ये पिल ऑलरेडी यूके ने जो है ये फर्स्ट कंट्री बन चुकी थी अप्रूवल एज अ ड्रग, ये 4 नवंबर को ऑलरेडी यूके ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था, उसके बाद उसका यूज शुरू हो चुका है और इंडिया में भी अब इसे अप्रूव दोस्तों किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे जानेंगे कि एज पर द कंडीशन देखेगा, रिटेलर इसे डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती, उसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए, एंड पेशेंट लेस देन 18 ईयर्स नॉट अलाउड, 18 ईयर्स के अब ही दोस्तों आप इसे ले सकते हो। और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन जिसे हो चुका है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सीरियस है दोस्तों, उसे ही दोस्तों ये दिया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं ये लॉन्गर देन 5 consecutive days आप इसे नहीं ले सकते, आप 5 दिन इसे लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको इसे 24 घंटे में 8 बार लेना पड़ेगा, मतलब लगभग 5 दिन आप 40 गोलियां इसे लेना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो दोस्तों अब जो बात यहाँ पे कहेंगे कि वैक्सीन तो हमने यहाँ पे नई लॉन्च कर दी है, हमने यहाँ पे एक पिल भी लॉन्च कर दी, तो हमारे पास अब कितनी वैक्सीन वगैरह है यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारे टोटल 8 वैक्सीन दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जायकोडी है, देन स्पुतनिक है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कोर्बीवैक्स जो आज लॉन्च हुई, एंड कोवोवैक्स, ये भी दोस्तों। तो कुल मिला के अब अपने पास 8 ऐसे वैक्सीन है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड के खिलाफ। एंड दोस्तों देखिए देर आर न्यू वैक्सीन कुड पॉसिबली बी यूज एज अ बूस्टर शॉट इन अ डे टू कम। देखिए आप सभी को पता है थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि बूस्टर शॉट्स को लेके, एडिशनल डोज को लेके, तो वो जरूर एक बार देख लीजिएगा एक्चुअली होता क्या है।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले ऐसे कहा था कि जो एल्डरली पीपल है दोस्तों, जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो उस तरह से एल्डरली पीपल को हम ऑलरेडी क्या कर देंगे, एडिशनल डोज देंगे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको बूस्टर शॉट्स वगैरह से देने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें क्या है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वाले वीडियोज में दोस्तों। तो आपको बता दूं थोड़ी और वाली चीज की कंक्लूजन क्या है। हालांकि अभी जो सिचुएशन इंडिया में किस तरह से है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि विद 6,358 पीपल अब पॉजिटिव दोस्तों हो चुके इन अ डे, अगर बात करते हैं टोटल जो टैली दोस्तों वो 3,47,99,000 दोस्तों लोग अभी तक पॉजिटिव दोस्तों पाए जा चुके हैं। और इंडिया में दोस्तों अगर हम कल की बात करें तो 653 ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह थे और काफ़ी बढ़ रहे, और आपने सुना भी होगा कि डेली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस हालात में ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव वाली न्यूज है कि दो वैक्सीन और एक दोस्तों पिल यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन देखिएगा, वैक्सीन आ चुकी है इसका मतलब मास्क नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रिकॉशनरी मेजर यूज करनी ही होंगे, आपको मास्क यूज करना है, हाथ वगैरह धोने, सब चीजें अभी भी कंटिन्यू करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, प्रिकॉशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको इस तरह से वायरस के खिलाफ लड़ना है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारे वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं, किसने ये बनाया है, पिल किस तरह से काम करती है। अगर इस तरह के दोस्तों डिस्कशन आपको डिस्कस करने हो मेरे साथ या पढ़ना हो तो आ जाएगा दोस्तों स्पेशल क्लासेस में, ये रहा अपना स्केड्यूल, आप आ सकते हो। इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं, एज वेल एज प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिएगा, वहां पे सारी चीजें मेंशन ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है GKGS कमजोर है आपका, तो 29 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रही है, आ जाए उस बैच में। आइकॉनिक फीचर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, जब आप किसी भी प्लस बैच में आते हो आपको दोस्तों प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्व करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर बैठे पढ़ाई करते हो तो आजकल और फीचर काफी इंटरेस्टिंग होता है। सिर्फ फोटो खींच लीजिएगा उस जो भी कुछ आपको क्वेश्चन आया है और हमें सेंड कीजिएगा, एजुकेटर आपको उसका आंसर डेफिनेटली दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पढ़ाई करते हो दोस्तों तो टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्री वैलिडिटीज इतने सारे अवेलेबल है तो दे दीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट बात यह है। और स्पेशल से प्लस में जब आते हो आप, ठीक है, स्पेशल क्लास आपने फ्री वाले क्लास काफी देखे हैं, लेकिन फ्री वाले से जब पेड वाले क्लास में आते हो तो आपको एक बेहतरीन फीचर मिलता है, वो होता है दोस्तों रेज हैंड का। जब आप रेज हैंड करते हो आपके डायरेक्टली आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर पाते हो, और बात करने से डाउट सॉल्व हो ही जाता है कि नहीं, बात तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए अनअकैडमी एक आपको चांस देता है कि आप में कितनी है टैलेंट वगैरह। तो अगर आपका रीजनिंग एकदम क्लियर है तो दोस्तों 2 जनवरी को होने वाला है यहाँ पे एक कॉम्बैट, उस कॉम्बैट में आ जाइए, एक लड़ाई होगी, देखा जाएगा रीजनिंग आपका कितना है कैसा है, और दोस्तों आपको इतने सब्सक्रिप्शन वगैरह स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर इसमें भी नहीं होता है दोस्तों, बता दूं कि 29 दिसंबर मतलब आज के दिन ऑफर चल रहे हैं SSC और SSC बैंक कॉम्बो के ऊपर, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मंथ्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबक्रिय आपको सिर्फ जाना पड़ेगा, आपके ऐप डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का, या फिर आप वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे दोस्तों आपको जिस कैटेगरी में एडमिशन लेना है उस कैटेगरी में जाइएगा, उस कैटेगरी में सिलेक्ट कीजिएगा, अपने 24 मंथ्स, 12 मंथ्स या 6 मंथ NW10 कोड जो है वहाँ पे एंटर कीजिएगा, और प्राइसेस ऐसे ड्रॉप हो जाएंगे दोस्तों, आप सब्सक्रिप्शन लेके आ सकते हो बैचेस में और हम इकट्ठा बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेकंड सेशन, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली बता दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।